हेलो फ्रेंड्स, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 22 प्रखर वर्कबुक इंग्लिश ग्रेड 8 में पेज नंबर 31 को हल करेंगे। हमें यहाँ दोस्तों दे रखा है द लर्नर कैन मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स। यहाँ दोस्तों हमें प्रीफिक्स का प्रयोग करना है। यहाँ दोस्तों हिंदी में जिसे हम कहते हैं उपसर्ग, ये ऐड करके एक न्यू वर्ड बनाना है। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स एंड द ब्रेक इन एंड राइट अगेन। यहाँ दोस्तों में अन और एबल को जब हमने ऐड किया तो शब्द बन गया या वर्ड बन गया अनएबल। इसी प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट में डिस का प्रयोग करेंगे, डिस एग्री हम लिख देंगे डिस एग्री। नेक्स्ट है डिसलाइक, लाइक के साथ हम डिस जोड़ेंगे तो दोस्तों ये वर्ड बन जाएगा डिसलाइक। अनहैप्पी हम यहाँ लिख देंगे अनहैप्पी। इम्पॉसिबल तो यहाँ दोस्तों आई एम का प्रयोग होगा तो दोस्तों यहाँ वर्ड बन जाएगा इम्पॉसिबल। यहाँ दोस्तों में प्ले के साथ री या इन का प्रयोग करना है तो हम यहाँ री लिखेंगे आर ई रीप्ले। तो यहाँ दोस्तों वर्ड बन जाएगा रीप्ले। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ हमें प्लेस के साथ डिस या मिस का प्रयोग करना है तो यहाँ दोस्तों हम मिस का प्रयोग करेंगे मिस प्लेस। तो यहाँ दोस्तों वर्ड बन जाएगा मिस प्लेस। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट के साथ हमें अन या डिस का प्रयोग करना है तो यहाँ हम दोस्तों अन का प्रयोग करेंगे अन इम्पोर्टेंट। हम यहाँ इस वर्ड को लिख देंगे। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स फ्रॉम द बॉक्स एंड मेक ए न्यू वर्ड। यहाँ दोस्तों में बॉक्स में प्रीफिक्स दे रखी है उसे हमें इस वर्ड के साथ हमें प्रयोग करना है। जैसे दोस्तों हम करेक्ट के साथ हम प्रयोग करेंगे इनका तो इनकरेक्ट। एबिलिटी के साथ हम प्रयोग करेंगे डिस का तो डिसएबिलिटी। टेक के साथ दोस्तों हम प्रयोग करेंगे मिस का तो मिसटेक। कलर के साथ दोस्तों हम जो प्रीफिक्स है वो यूज़ होगी डिस तो डिस कलर। होनेस्ट के साथ दोस्तों या डिस तो डिस ऑनेस्ट। नेक्स्ट है नॉन के साथ दोस्तों में प्रीफिक्स यूज करनी है अन तो अननोन। यहाँ दोस्तों रेगुलर के साथ आई आर का प्रयोग होगा तो इर रेगुलर। यहाँ दोस्तों प्रेजिडेंट के साथ हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे ई एक्स का प्रयोग करेंगे तो ई एक्स का दोस्तों जब हम इसको न्यू वर्ड बनाएंगे तो एक्स प्रेजिडेंट बन जाएगा। यहाँ दोस्तों नेक्स्ट है टर्न। टर्न के साथ दोस्तों हम री का प्रीफिक्स है जो प्रयोग करेंगे रिटर्न। नेक्स्ट है प्योर तो यहाँ दोस्तों इम का प्रयोग होगा तो वर्ड बनेगा इम्प्योर। तो दोस्तों यह थी वर्कशीट नंबर 22 और पेज नंबर 31। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।